अगर आज तेजस्वी के साथ साधु यादव होते, शहाबुद्दीन तो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे नेता होते, पप्पू यादव होते, तो क्या तस्वीर यही रहती जो आज है? इस बार कहां फेल कर गई आरजेडी, आपको क्या लगता है? साधु यादव हो, शहाबुद्दीन हो, या ऐसे लोगों की कमी खल रही है आरजेडी को, जो लालू यादव के कहने पे तमाम विधायकों को मैनेज कर लेते थे? नई फौज है, तेजस्वी यादव है, उनके साथ नई टीम है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि गलती हो रही है और जो तेजस्वी यादव के साथ टीम है वो सही नहीं है? क्या आप जो स्थिति देख रहे हैं आरजेडी की या अपने तेजस्वी यादव की, जो आपके भगना है, क्या साधु यादव पहल करेंगे? अगर इसका पूरे हमारे बातचीत का निष्कर्ष निकाला जाए साधु जी, तो एक लाइन का निष्कर्ष यही है कि तेजस्वी यादव की टीम ने तेजस्वी यादव को हरा दिया। बिल्कुल। के अभी हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जुड़ गए हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को मात दे दी है। हालांकि कुछ विधायक जरूर जेडीयू से टूटे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, खेला करने की तैयारी भी थी, लेकिन एन वक्त पे नीतीश कुमार अलर्ट मोड में आ गए, और जब वो अलर्ट मोड में आए तो फिर आपने देखा कि रात भर जो ऑपरेशन चला, और जहां पर ये लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी, वहां पर आरजेडी के तीन विधायक ही टूटकर सत्ता पक्ष की ओर आ गए। देखिए साधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इनसे पूछते हैं। साधु जी, आपने तो कई बार इस तरह का खेल देखा है, इस बार कहां फेल कर गई आरजेडी, आपको क्या लगता है? असल में अनुभव का भी कमी है जी। पहला तो अनुभव का कमी है जी, और दूसरा की लालू जी के खेल को कोई मात नहीं करेगा जी। लेकिन जिस हालात में वो अभी हैं जी, स्वास्थ्य लाभ अभी ले रहे हैं जी, तबियत का ठीक नहीं है, जो चाहिए ठीक नहीं है जी, और उम्र का भी तकाजा है जी, तो इसलिए वो सब चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाए होंगे जी, और इसलिए उनको इसमें इस खेल से उनको अलग रखिए जी। उससे जो नया नया जो उनके सलाहकार जो बने हैं तेजस्वी यादव के, वो सलाहकार लोग इसको डुबा रहा है, उनकी जो रणनीति है ठीक नहीं है। ये तो रणनीति मिली भगत से कर रहे हैं वो लोग जो साथ में रहते हैं, और नहीं तो अनुभव का भी कमी है, दो ही कारण हो सकता है। तो इस तरह से जो खेल ही लोगों ने चलाया, ये पहले बताइए, अगर किसी को कुछ अगर करना हो तो उसको कह के कीजिएगा तो अलर्ट रहेगा, मतलब ढिंढोरा पीट दिया गया। कई लोगों ढिंढोरा पीटा कि खेल करेंगे खेल करेंगे खेल करेंगे, तो पहले अपना देखना चाहिए था। अच्छा, भी लोग जान रहे थे कि आनंद मोहन के लड़का जो है के साथ, और आनंद मोहन के साथ मनोज झा का कोई राज्यसभा के वक्तव्य के लेकर के झगड़ा चल रहा था जी, कुआं कौन पानी जी। तो उस परिस्थिति में इन लोगों को उसको लाने की जरूरत नहीं था। वो जो कौन लड़का है आनंद मोहन का, चेतन आनंद, हाँ, तो उसको लाने की जरूरत नहीं था। अब विधायक था, पार्टी के विधायक था, पार्टी के मीटिंग में आया, मीटिंग के बाद वो अपना चला जाता। उसको इन लोग देखता कि ये आगे क्या करता है, अपने घर पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और लाया भी मीटिंग में, वो आया बोला कि मीटिंग में आया है, मीटिंग में, तो मीटिंग के बाद वो अपना चला जाता, छोड़ देता ये लोग, कह देता कि जाइए आप, मीटिंग हो गया, आप जाइए आइएगा कल। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी हर परिस्थिति को देखा गया है। और इस समय जो है बिहार विधानसभा में भी जो खेला हुआ जी, उस खेला को भी पूरा देश देख लिया है जी, लाइव देखा है पूरा देश जी। और लोकतंत्र के मतलब जो लोकतंत्र की बात होती है, वो लोकतंत्र में ये इससे बड़ा सर्वनाश घटना नहीं हुआ है कभी जी, कभी हुआ ही नहीं है अभी तक। ये पहला घटना हुआ है कि किसी दल का विधायक आज सत्ता पक्ष में जाके बैठ गया हो जी।
तो ये घटना जो है अजूबा घटना है और इतिहास इसको माफ नहीं करेगा। लेकिन साधु जी एक सवाल देखिए, इस तरह का खेला कोई बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है कि एक बार जब आप लोग ने आरजेडी को बचाया था, मतलब सरकार बचाई थी, इसी तरह को विधायक को कैसे आप लोगों ने मैनेज किया था, उस समय आप हुआ करते थे, शहाबुद्दीन हुआ करते थे। तो क्या लगता है कि आज के डेट में आरजेडी के अंदर साधु यादव हो, शहाबुद्दीन हो, या ऐसे लोगों की कमी खल रही है आरजेडी को जो लालू यादव के कहने पे तमाम विधायकों को मैनेज कर लेते थे? नहीं, उस देखिए, कोई भी विधायक अगर इच्छा व्यक्त करेगा जी तभी आप कुछ कर सकते हैं जी। अब विधायक इच्छा व्यक्त नहीं करेगा जी तो आप नहीं कर पाइएगा जी, चाहे कितना बाहुबल हो या कुछ भी हो जी। सरकार और सत्ता के सामने बाहुबल कोई बाहुबल नहीं है जी, सरकार ही बाहुबल है। सरकार से बेसी ताकत किसी को नहीं है। तो ये जो लोग इस बार तो दिखा भी, नीतीश कुमार ने पूरी पुलिस से एक्टिव कर दिया। नहीं, सवाल एक्टिव करने का नहीं है। हालांकि जो सत्ता का जो मजा है वो लोग लेता है, लेकिन नौकरशाह तो सत्ता जब बदलती है तो फिर वही नौकरशाह जो है उसके तरफ हो जाते हैं जी। तो जिसकी सत्ता रहती है उसके साथ नौकरशाह होते हैं। ये तो पुराना परंपरा भी है ऐसा ही कि जिसकी सत्ता उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, तो वही कहावत है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सत्ता आएगा हमारे साथ अफसर हो जाएंगे, आपके साथ सरकार होगी तो आपके साथ अफसर चले जाएंगे। तो ये तो अदला के बदला लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हो गया हो गया हो गया, आगे फिर एक आदमी का कोई सत्ता थोड़ी रहता है बरकरार, नहीं रहता है। तो नीतीश कुमार जी का जो सत्ता है सभी आरजेडी के साथ है, कभी बीजेपी के साथ है। तो लेकिन उस व्यवहार को भी देखना चाहिए था। नीतीश जी इस सब मामले में बहुत माने जाते थे कि ये जो है नजायज बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये इनके बारे में ये परसेप्शन है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी जो परसेप्शन बदल दिया, इस परसेप्शन में ये हुआ कि अधिकारियों को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो अधिकारी इस्तेमाल हुए हैं और अधिकारी को लोकतंत्र में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। वो उनके दल के वर्कर करते, उनके दल के विधायक करते, उनके दल के मिनिस्टर करते, वो अलग चीज है। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जिसकी संख्या होती है उसका लोग काम करता है और उसकी सरकार बनती है। लेकिन पुलिस के बल पर अगर कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारी उसमें शक्ति नहीं है और पुलिस की शक्ति के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस तो आज आपके साथ है, कल उनकी सरकार होगी तो उनके साथ चला जाएगा। तो इसमें तीसरा आदमी पिछड़ाता है। हाँ, तीसरा आदमी हमेशा पिछड़ाता है। तो वही हाल अभी बिहार में हो रहा है। अच्छा साधु जी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्या आपको लगता है कि आरजेडी के अंदर जो पुराने नेता है, जो लालू यादव के साथ साथ बैठकर स्ट्रेटेजी बनाया करते थे, अब नई फौज है, तेजस्वी यादव है, उनके साथ नई टीम है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि गलती हो रही है और जो तेजस्वी यादव के साथ टीम है वो सही नहीं है? बिल्कुल, हम जो बता रहे हैं ना, वो टीम जो है कोई कारगर टीम नहीं है, सब व्यवसायिक टीम है। ये सब चीज में काम वही कर सकता है जिस पर कोई दाग नहीं हो, जो कोई व्यवसाय नहीं करता हो, और वही आदमी ये सब चीज काम कर सकता है। जो बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है और उसमें मतलब पूरा कुंठा डूबा हुआ है, वो आदमी कभी भी सरकार से नहीं लड़ाई लड़ पाएगा। पहले बात, अब सुनील सिंह का बात आप लोग करते हैं, तो सुनील सिंह को तो पहले दारू भट्टी का दुकान उनका था, वो दारू भट्टी का दुकान चलाते थे, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह। हाँ जी, उनका पूरा लोग जानता है कि उनका दारू का दुकान था, व्यवसाय था, और उस लाइन के वो आदमी है। तो आप उनका क्या चरित्र है सब लोग देख लिया, घर में कहाँ कहाँ से नचनिया बजनिया लिया करके दूसरे को भी खराब कर रहे हैं छवि।
दूसरे के घर को भी छवि खराब कर रहे हैं। कौन नजायज लोग जो है, किसका हित बन जा रहा है, किसका भाई बन जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए इस परिवार को। अब कुछ धन दौलत नहीं होता है, एक मान सम्मान और स्वाभिमान इज्जत जिसको कहा जाता है, अब तेजस्वी के घर से पुलिस उठा करके ले जा रही है, ले आ रही है, तो क्या मर्यादा रह गया? ऐसा कांड सुनील सिंह करा रहा है, बेइज्जत कर रहा है तेजस्वी को, पूरे परिवार और समाज के लोगों को, बिहार के लोगों को। सुनील सिंह करवा रहे हैं, इसका सुनील सिंह करवा रहा है। तो ये भारी जो है सोचने वाली बात है। कहा दिया ना कल विधानसभा में कि के कही, तो इस घर में खुद के कही पाल के रखा है, दूसरे को के कही जो बोल रहा है, अपने घर में के कही रखा है। तो पहले अपने घर के कही को ना निकाले बाहर। अच्छा साधु, अगर आज तेजस्वी इसके साथ साधु यादव होते, शहाबुद्दीन तो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे नेता होते, पप्पू यादव होते, तो क्या तस्वीर यही रहती जो आज है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल ये तस्वीर नहीं रहता। तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल उसका भी नहीं है। हमारा गणित रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे। और हमारा गणित नहीं है तो फिर हम हाथ नहीं डालेंगे, और गणित रहेगा तो हाथ डालेंगे। तो उले के पास जब जानकारी था कि गणित कम है, तो पहले ही अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा दिवा देना चाहिए था। ये लोग झूठ मूठ करके अवध बिहारी चौधरी को भी बेइज्जत किया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है तेजस्वी को, नहीं तो ये लोग नहीं आगे आने देंगे। ऐसे लोग अगर साथ में रहेंगे, लोग अपनी वर्चस्व बना रहा है। साधु जी, सुनील सिंह का नाम आपने लिया, और कौन कौन लोग हैं जो तेजस्वी के टीम में है और उनको कमजोर कर रहे हैं? एक और कोई है, हाजीपुर का लड़का है, उसका भी नाम सुन लिया है। इंजीनियर सुनील। हाँ, जो ये सब धन कमाने के लिए इसके पास सटा हुआ है सब। इसको आरजेडी के प्रतिष्ठा से, लालू यादव के परिवार के प्रतिष्ठा से, और समाज के प्रतिष्ठा से, और बिहार के जमात के प्रतिष्ठा से कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है ना। ये लोग अपना मकसद में कामयाब है, ये लोग धन कमाने के लिए वहां पर गए हुए हैं, चाहे वो सुनील सिंह बिस्को मान के वो MLC बन गए। तो इस तरह का हरकत ये लोग कर रहा है घर में। अब देखिए, बार बार नीतीश कुमार के बारे में ये लोग बयानबाजी किया, और ये सुनील सिंह ने बयान किया, पटर पटर बोला। तो लालू जी के बीच और ये लोग के बीच का दूरी जो है, नीतीश कुमार से ये लोग जो दूरी बनाया है, उसमें सुनील सिंह है दूरी बनवाने में, या सरकार गिराने में, या सरकार हटाने में, ये सारा ड्यू टू सुनील सिंह है। और कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग अगर घर में रहेंगे तो घर के भेड़िया लंका डाड़, यही लोग लंका डाल रहे हैं, यही लोग दो पिछड़ा लीडर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव। अब देखिए, अब लालू यादव का उम्र तो आप समझ रहे हैं जी, थोड़ा नीतीश कुमार का उम्र बचा हुआ है, तो पिछड़ा लीडर बिल्कुल समाप्त हो गया है देश से, बिहार से नहीं, पूरे देश से। मतलब रामविलास पासवान थे, वो भी समाप्त हो गए। मुलायम सिंह जी थे, वो भी समाप्त हो गए। शरद यादव थे, वो भी समाप्त हो गए। तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो भी समाप्त हो गए। तो बड़े पुराने जो लीडर थे वो सब समाप्त हो चुके हैं, और नए जो लीडर अभी पैदा ले रहे हैं उनको अनुभव का कमी है, वो दूसरे से सीख नहीं रहे हैं, दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। अब उस दिन जो वो भाषण दे रहा था तेजस्वी, उसको किसी ने बताया भी नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी ने ही 27% आरक्षण लागू कर दिया था। वो अभी बोल रहा था 14%, 24%, क्या क्या बोल रहा था, और एक शब्द भी किसी अगल बगल के जो भी लोग बैठे थे वो नहीं बता पाए, उसको जानकारी नहीं दिए। तो अभी बहुत कमी है कि तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरे से भी पूछ लिया करिए, तब बोलिए। बहुत भाषण तो उसने ठीक दिया, भाषण तो जो दिया वो मैंने अच्छा भाषण दिया, विधानसभा में बढ़िया भाषण दिया, लेकिन खाली भाषण से नहीं चलेगा ना, खाली भाषण से नहीं चलेगा। व्यवस्था जो होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो पूरा ठोक ठेठा के होता है। कई लोग ठोक ठेठा के किया ही नहीं, ये लोग अधूरा काम किया। आखिरी सवाल साधु जी,
क्या आप, क्या आप जो स्थिति देख रहे हैं आरजेडी की या अपने तेजस्वी यादव की जो आपके भगना है, क्या साधु यादव पहल करेंगे कि किस चीज का पहल करेंगे? आरजेडी को बचाने की। भाई आप तो, अब आरजेडी के बचाने के लिए हमारे पास कोई जिम्मेदारी है क्या? हाँ नहीं, आप भाई हम तो बीएसपी के सदस्य हैं। आप बीएसपी के सदस्य हैं, लेकिन पहले आरजेडी को सींचने का काम हमने किया जी। आरजेडी को हम लोगों ने, आरजेडी का जन्मदाता हम लोग हैं जी। हम लोग जनता दल के जन्मदाता हैं जी, लोक दल के जन्मदाता हैं। हम लोग लोक दल के जमाने से जी हम लोग करते आ रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी जुआ प्रदेश के अध्यक्ष थे लोक दल का, तो हमने गोपालगंज जिला का अध्यक्ष थे लोक दल का, छात्र का, जुआ का, समझ गया ना जी। तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग सब एक साथ लोग रहे हैं, सब एक दूसरे को जान रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हम बखूबी से न जान रहे हैं जी। अभी ये लोग तो बच्चे लोग हैं, लोगों को क्या जानकारी है, लेकिन हम लोग तो सब जान रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि छोड़ेंगे नहीं, सबकी जांच करवाएंगे। अब तो वो जो बोल रहे हैं तो सत्ता वाले लोग बोलेंगे ना भाई। सत्ता वाले लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो कभी इधर कभी उधर, कभी उनका जांच कराएंगे, कभी इनका जांच कराएंगे। यही तो खेल है, यही इसी को खेल कहते हैं जी। अब उनसे पूछा जाए कि जब आप इधर जांच की बात कर रहे हैं तो उधर भी जांच की बात करिए, उधर भी जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जो लोग तीन गो विधायक उठ के चले आए तो उनका भी तो जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तीन विधायक जब उठ के सामने चले आए तो उनका कौन जांच करेगा? नहीं, तीनों विधायक का कौन जांच करेगा? लगाया जा रहा है साधु जी कि अभी आरजेडी को और टूटना बाकी है, कई विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के पाइपलाइन में है कि इन्हें भी तोड़ दिया जाएगा। ऐसा तो टूट जाएगा तो राजनीति में तो यही ना खेल होता है जी। कभी इधर कभी उधर, तो सामने ही खेल हो रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे हैं जी। ये सामने जो खेल हो रहा है देख नहीं रहे हैं जी, तो यही ना खेल है राजनीति का, और कौन खेल है? राजनीति में कोनो कपर फुरवल होता है का? इन लोग का यही ना, इधर का गणित उधर, उधर का गणित इधर, यही होता रहता है। एक लाइन अगर इसका पूरे हमारे बातचीत का निष्कर्ष निकाला जाए साधु जी, तो एक लाइन का निष्कर्ष यही है कि तेजस्वी यादव की टीम ने तेजस्वी यादव को हरा दिया। हाँ बिल्कुल।